हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए बिना समय गवाए फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आम का। तो देखिए, यहाँ पे हम पके आम को जो है काट लिए हैं, टुकड़े में इसे कर लिए हैं, और इसके आज हम बनाएंगे मैंगो केक। तो आप लोग वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा मेरे। तो सबसे पहले हम आम को जो है मिक्सी के जार में डालेंगे और आम को पीस लेना है हमें। आम को पीस लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आम को जो है हम पीस लिए हैं। इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं डालना है, बस ऐसे ही इसे पीस लेना है। तो आम हम पीस लिए, अब आगे की हम तैयारी करते हैं, बताते हैं आपको कि कैसे बनाना है। तो आप लोग वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक बर्तन, आप कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, और इसमें जो है सारे आम के जो ये बना के रखे हुए हैं इस पीस के, इसे हम निकाल लेंगे सारे आम का। तो आम जब का सीजन है फ्रेंड्स, आम जाने के पहले ये आप लोग जरूर बनाकर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है मैंगो केक, बहुत अच्छा। तो अब इसमें हम सबसे पहले यहाँ सूजी ले लिए हैं, ये बारीक वाली सूजी हम लिए हैं। आप चाहे तो जो बड़ा वाला सूजी आता है उससे भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे हम सूजी को भी डाल देते हैं, सूजी भी डाल दिए। और ये ले लिए हैं हम शक्कर है, तो शक्कर हमारा 1 कप है, इसे भी डाल देते हैं, क्योंकि आम जो है खट्टा होता है, थोड़ा सा मीठा तो होता है मगर थोड़ा सा खट्टा होता है, इसलिए हमें चीनी भी डाल लेनी है। तो चीनी भी डाल दिए हम, और इसे अब हम मिला लेंगे एक बार। बिल्कुल इतना टेस्टी बन के रेडी होगा फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा, बहुत ही बढ़िया ये बन के तैयार होता है मैंगो केक। अब इसमें हम दूध ले लिए हैं, तो दूध यहाँ पे हम 1 कप लिए हैं, थोड़ा थोड़ा करके दूध को डालेंगे, सभी दूध एक बार में नहीं डाल देते हैं। हमें इसका बहुत जो है पतला घोल नहीं बनाना है, और इसे अच्छे से जो है हम बिल्कुल कर लेते हैं मिक्स, थोड़ा सा फेंट देंगे बिल्कुल अच्छे से। तो इतना ही अभी हम इसे रहने देंगे, और इसे जो है रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो है सूजी डाले हैं, तो सूजी जो है थोड़ा सा अभी ये सोक करेगा, तो फिर इसे हम तब इसको हम 10-15 मिनट के बाद बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई गर्म हो रहा है, इसमें हम अब डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे हम नमक डाल देंगे, नमक को डालकर इसे फैला देंगे, इसे चारों तरफ फैला देंगे अच्छे से बराबर। और नमक जब तक हमारा गर्म हो रहा है, हम आगे का देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इसे जो रखे हुए थे, देखिए, तो ये 10 से 15 मिनट हमारा हो गया है। तो अब इसे हमें जो है बिल्कुल, देखिए, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है दूध, ये बिल्कुल सही है अब हमारा। तो इसे एक बार अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हमारा बनेगा जो केक तैयार होगा, बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगा, और बहुत ही यम्मी केक बनने वाला है। तो ये देखिए, हम इसे फेंट दिए, अब इसमें हम डाल देते हैं, 1 चुटकी ज़्यादा नहीं डालना है, आप चाहे यहाँ पे हम डाल रहे हैं फ्रेंड्स बेकिंग सोडा पाउडर लिए हैं, थोड़ा सा 1 चुटकी ज़्यादा नहीं डालना है हमें। तो यहाँ पे हम बेकिंग सोडा पाउडर डाल देंगे, यहाँ पे डाल देते हैं। आप चाहे तो इसके जगह इनो भी डाल सकती हैं, कोई भी फ्लेवर वाला आप इनो डाल सकती हैं।
और थोड़ा सा डाल देते हैं दूध इसके ऊपर। दूध जरूर डाल देंगे थोड़ा सा, और इसे एक बार अच्छे से फिर फेंट लेते हैं। तो आम का सीजन इस समय चल रहा है फ्रेंड्स, मार्केट में आम बहुत ही अच्छे अच्छे आने लगे हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया आम मिल रहे हैं। तो आम जाने के पहले हम क्यों ना अच्छे अच्छे डिशे बना ले आम के, बच्चे या बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो इसे हम साइड कर लेते हैं और जिसमें हमें केक बनाना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं, ये कटोरा ले लिए हैं, इसी में हम केक को जो है बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल लगा देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा, लगा के इसे हम चारों तरफ मिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने मिला दिया चारों तरफ, और अब इसमें हम ये पेपर जो है नीचे डाल देंगे। बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं फ्रेंड्स आप लोगों को बनाना, बहुत ही अच्छा बन के आपका तैयार होगा, और जब भी मन करे आप इस रेसिपी से बना सकती हैं, और बहुत ही आसान तरीका है ये। तो इसे हम बिछा के और हल्का सा घी इसके ऊपर भी लगा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा लगा देंगे और चारों तरफ जो है इसे फैला देते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ हमारा घी हो गया है। अब इसमें हम जो ये बना के रखे हुए हैं केक का, तो इसे हम इसमें डालते हैं कटोरे में। फ्रेंड्स वीडियो को अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुँच सके। और इसे हम सारे बहुत ज़्यादा भरेंगे नहीं फ्रेंड, जिस भी बर्तन में आप बनाइएगा केक बिल्कुल उसे थोड़ा सा हम उसके लिए जगह छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो अभी ये ऊपर आएगा केक हमारा, तो इसलिए इतना इतना जगह हम इसे छोड़ देते हैं। ये लीजिए बिल्कुल मेरा तैयार हो गया, और इधर हमारा नमक भी बिल्कुल गर्म है तो इसे हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इसमें हम एक स्टैंड रख लेते हैं। आप स्टैंड रख लीजिए, अगर स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी भी रख सकती हैं, कटोरी या प्लेट कुछ भी रख दीजिए, इसके ऊपर रख देना है। अब हम इसे लेंगे और इसके ऊपर स्टैंड के रख देते हैं। इसे रख के और इसको ढक देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हम रख दिए हैं, अब इसे हम बराबर प्लेट से ढक देंगे ताकि अच्छे से ये बिल्कुल ढक जाए। तो यहाँ पे हम ढक दिए हैं थाली से, और गैस का फ्लेम कर देंगे स्लो, बस इतना कर देंगे गैस का फ्लेम, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर चेक करेंगे। तो 20 मिनट हमारा हो गया है फ्रेंड्स, अब इसे हम जो है खोल कर एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है। इसे हम कपड़े से पकड़ के थाली को हटा देते हैं। तो देखिए ये हमारा केक चेक करेंगे हम, आप चाकू ले लीजिए और उसे जो है बीच में लगाएंगे। तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं भी जो है लगा नहीं है, इसका मतलब केक हमारा तैयार है। गैस को ऑफ कर देते हैं, अभी ये बहुत गर्म है तो थोड़ा सा रुक कर इसे हम निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसे हम निकाल लिए हैं, अभी बहुत गर्म है ये बर्तन जो है, तो इसे हम चाकू के हेल्प से थोड़ा थोड़ा साइड का जो है कर लेते हैं, बस इसे ऐसे
ऐसे कर लेंगे और अब इसके ऊपर हम प्लेट रख देंगे, कोई बराबर सा प्लेट रख लीजिए। और इसे निकालने का, अभी बहुत गर्म है तो इसे हम कपड़े से पकड़ेंगे और इसको पलट देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो है केक को निकाल लिए हैं। अब इसमें जो ये पेपर हम पेपर बिछाए हुए हैं इसे हटा देते हैं, बिल्कुल आराम से ये हट जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंगो केक जो है बहुत ही यम्मी बन के बिल्कुल रेडी होगा। अब इसे हम दूसरा प्लेट रखेंगे और इसको जो है सीधा कर लेते हैं केक को। तो देखिए केक हमारा जो है बिल्कुल रेडी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए मैंगो केक बनके हमारा बिल्कुल तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी, बिल्कुल ये बहुत ही टेस्टी बना फ्रेंड्स। इसे आपको काट के भी दिखाते हैं। और बनाने में भी बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें जो है झंझट नहीं है बनाने में फ्रेंड्स, इतना आसान। तो लीजिए फ्रेंड्स, देख सकती हैं बिल्कुल बढ़िया है और बिल्कुल ये केक जो है सॉफ्ट केक बिल्कुल बनके तैयार हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छा ये केक हमारा तैयार हुआ है।